नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा ज़ीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर कैसे काम करता है, तो इस वीडियो में देखेंगे ज़ीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर कैसे काम करता है और इसको यूज़ कैसे करना है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो ट्रेडिंग करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि एक शेयर के ऊपर कितना ब्रोकरेज लगता है या कितना प्रतिशत के ऊपर, मतलब कितना परसेंटेज क्या है ब्रोकरेज का। तो ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको सिंपली गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। जैसे आप ज़ीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करोगे तो उनका ऑफिशियल ज़ीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर खुल के आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एरो को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोकरेज कैलकुलेटर बाय ज़ीरोधा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं खोल के दिखा देता हूँ। तो ठीक है, ये ज़ीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन हो चुका है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको तीन सेगमेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली पांच होते हैं लेकिन उसमें से दो जो है वो एक में कर चुके हो, इक्विटीज़ एंड एफएनओ, ये अलग अलग सेगमेंट एक में किए हैं उन्होंने, और करेंसी और कमोडिटीज़ का आपको अलग से मिल जाएगा। तो हम इक्विटी के लिए देखेंगे, बहुत सारे लोग इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो इक्विटी में देखना चाहिए हमें। तो देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा टिपिकल टाइप आ चुका है पेज खुल के, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एरो को देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्राडे इक्विटी, मतलब इक्विटी को कितना ब्रोकरेज लगेगा इसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। डिलीवरी के लिए कितना ब्रोकरेज लगेगा इसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। और जो भी इक्विटी फ्यूचर्स है, ठीक है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, इक्विटी फ्यूचर्स है मतलब फ्यूचर में ऑप्शंस जो बोला जाता है उसको, ये यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस इसकी जानकारी भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसको पूरा इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल एंड क्वांटिटी, और नीचे भी आपको लिखा हुआ NSE और BSE। तो हमें क्या करना है, वो पूछ रहे हैं कि आपको कौन से प्राइस पे आपने बाय किया था और कहाँ पे सेल किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं लिख देता हूँ कि 100 रुपीज़ पे बाय किया था हमने और 101, मतलब 1 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करके हमने सेल किया था, और क्वांटिटी पूछ रहे हैं। तो मैं कैलकुलेशन के लिए 10 क्वांटिटी डाल देता हूँ, और यहाँ पे सेगमेंट में NSE सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आप NSE पे क्लिक, मतलब यहाँ पे NSE बाय डिफॉल्ट आता है, देख सकते हो इक्विटी डिलीवरी फ्यूचर ऑप्शन NSE बाय डिफॉल्ट है, बहुत सारे लोग NSE में ट्रेडिंग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वांटिटी लिख दिया, बाय सेल का प्राइस डाल दिया मैंने 100 रुपीज़ पे बाय किया, 101 पे सेल किया, तो नीचे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं आरो लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो टर्नओवर है, आपका टर्नओवर दिखाएगा, 2010 रुपीज़ का टर्नओवर हुआ, उसके ऊपर ब्रोकरेज कितना लगा, तो 0.06 पैसे, मतलब 60 पैसे का ब्रोकरेज लगा। STT टोटल जीरो है, इसके नीचे आपको दिखेगा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज कितना लगा हुआ है, ये अमाउंट आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। GST कितना लगा है, सेबी चार्जेस, मैं आपको ये बताना चाहूँगा की पॉइंट, इक्विटी में आपको सेबी कोई चार्जेस नहीं लेता है, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्यूचर ऑप्शन में सेबी चार्जेस लेता है, ऑप्शन में लिया जाता है, FNO में लिया जाता है, लेकिन इक्विटी में कोई सेबी चार्जेस नहीं लेता। तो टोटल आपको नीचे दिख रहा है प्रॉफिट हमारा कितना हो चुका है, 9.18 रुपीज़, मतलब अगर 1 रुपीज़ का टारगेट पकड़ के इंटू 10 कर देते हैं तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट बन जाता है, लेकिन पूरा ब्रोकरेज जाके हमारे हाथ में लग चुका है 9.18 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो उसको भी दिखा देता हूँ कैसे होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो कॉन्ट्रैक्ट नोट लिखा हुआ है तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपके सामने खुल जाएगा। तो उसके बाद आपको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट नोट खुल के आ जाएगा दोस्तों, जिसमें पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी कि कैसे है, क्या है, कौन से चार्जेस कहाँ पे लगाए हुए हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सैम्पल कॉन्ट्रैक्ट नोट। मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़ीरोधा जब भी आपका ट्रेडिंग खत्म हो जाता है, हर रात आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट है आपको ईमेल द्वारा भी भेजता है, वहाँ पे जाके आपको वो पढ़ सकते हो कि आपका GST कितना लगा है, स्टैम्प ड्यूटी कितना लगा है, ट्रांजेक्शन चार्जेस कितना लगा है, आपको प्रॉफिट मिला है या लॉस हुआ है, पूरी जानकारी आपको मेल के थ्रू भी आ जाती है आजकल। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया था वो सेगमेंट है इंट्राडे इक्विटी, जो सेगमेंट NSE था, बाइंग प्राइस हमारा दिख रहा है 100 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दिख रहा है 101 रुपीज़, हमने जो क्वांटिटी सिलेक्ट की थी वो भी आ चुके हैं 10 रुपीज़, और ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो दिखा रहा है 10 रुपीज़। दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि वहाँ पे 9.18 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल चुका है, हमारे हाथ लग चुका है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट 10 रुपीज़ है। तो 10 रुपये में से 9.18 माइनस करोगे, लगभग 82 पैसा, मतलब 82 पैसा ब्रोकरेज लगा है हमें। तो वो कहाँ कहाँ पे कितना कितना लगा है तो ये जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ।
तो जैसे कि देख पा रहे हो, आपको टोटल ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है, उसके नीचे टोटल चार्जेस है और नेट प्रॉफिट एंड लॉस, आपको कितना नेट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है ये दिखा रहा है इसके नीचे। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन से चार्जेस उन्होंने लगाए। तो ब्रोकरेज लगाया 60 पैसा, उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज लगाया 7 पैसा, स्टैम्प ड्यूटी 0.03 पैसा, डीपी चार्जेस 0 लगा है, एसटीटी 0 है, क्लियरिंग चार्जेस 0 है, सेबी चार्जेस 0 है, और जीएसटी, इसमें भी जीएसटी लगता है, 12 पैसे का आपको जीएसटी लगा है। तो ये होता है सैंपल कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये। आपको यहाँ पे आने के बाद आप जितनी भी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी है, डिलीवरी का भी है, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे बाइंग प्राइस 100 लिख दिया, सेलिंग प्राइस 101 कर दिया। आप यहाँ पे सिंपली 1110 भी कर सकते हो, जो भी आपके मन में है, जो भी आपको चाहते हैं कि उसका आपको ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है तो डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1110 कर दिया, तो आपको एक बार रिफ्रेश करना है जब भी आप नया कुछ ऑर्डर, मतलब नया कुछ कैलकुलेट करना चाहते हो, तो वो भी दिखा देता हूँ। मान लेते हैं किसी ने एक शेयर खरीद लिया 100 रुपीज़ में और उसको बेच लिया 150 रुपीज़ में, और क्वांटिटी भी हमारी सेम थी 10। तो देखते हैं नीचे कितना ब्रोकरेज लगा है। तो हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस 498.99 है, जहाँ पे मैंने पहले दिखाया था। कॉन्ट्रैक्ट नोट पे क्लिक कीजिए, इक्विटी एंड करेंसी पे क्लिक कीजिए, ये पूरा सैंपल कॉन्ट्रैक्ट नेट आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। तो यही था जीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर, यहाँ पे आप आके पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी ब्रोकरेज लगता है ब्रोकर के ऊपर से कौन से सेगमेंट में लगता है, जीएसटी क्या है, सब जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। और जब भी आप ट्रेड करोगे एक्चुअल में, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके ईमेल पे मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।